अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोहम्मद अल मेहदी। इट इज़ आवर फोर्थ चैप्टर एंड इज अबाउट आवर थर्ड कैलिफ एंड हिज नेम इज़ मोहम्मद अल मेहदी। मोहम्मद अल मेहदी की जो हुकूमत स्टार्ट हुई है वो हुई है 775 में और ये रही है 785 तक, यानी इनकी जो दौरे हुकूमत है वो टोटल है 10 साल। मोहम्मद अल मेहदी 126 हिजरी में पैदा हुए, अहवाज के कस्बे इरज में पैदा हुए। 743 ईस्वी थी और 126 हिजरी है। इनके जो वालदैन हैं, वालिद का नाम है अबू जाफ़िर मंसूर और वालदा का नाम है उम्मे मूसा बिनते मंसूर हुमैरी। अबू जाफ़िर मंसूर ने मोहम्मद अल मेहदी की तालीम और तरबियत की तरफ बहुत तवज्जो दी और ये बहुत खुशकल नौजवान था। इसकी 18 साल की उम्र में जो शादी हुई थी वो इसकी अपनी कज़न थी, उनका नाम है रीता बिनते अबू अलबास, जो कि इनके चचा अबू अलबास की बेटी थी। ये पहले अब्बासी खलीफा की रीता जो थी वो ज़ाहरी शक्ल व सूरत के लिहाज से इतनी दिलकशी की हामिल नहीं थी, लिहाजा मोहम्मद अल मेहदी ने दूसरी शादी मलका खेजरान से की। खेजरान हुस्न व खूबी में अपनी मिसाल आप थी और इनकी जो औलाद है मोहम्मद अल मेहदी की, उनके दो बेटे थे हादी और हारून रशीद, दोनों ही खेजरान के वतन से थे। मंसूर की वफ़ात के बाद 775 में मोहम्मद अल मेहदी खलीफा बने। उस वक्त इनकी उम्र थी 33 साल और 33 साल की उम्र में गर्म और सर चशीदा इंसान बन चुके थे। हुकूमत का तजुर्बा भी इनको हासिल हो चुका था। जब ये खलीफा बने तो इनकी बहुत ये गुड लक थी कि उस वक्त मुल्की हालात बहुत अच्छे हो चुके थे, तमाम मामलात सेटल हो चुके थे, कोई जो है अब इनका मुखालिफ नहीं रहा था, ख़जाना भी भरा हुआ था, लोग भी खुशहाल हो चुके थे और उनका हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सरकशी थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। लिहाजा इन्होंने जो अपना पहला खुतबा दिया क़याम खिलाफत के बाद 158 हिजरी में बामकाम बगदाद, मोहम्मद अल मेहदी ने अपना पहला खुतबा दिया जिसमें इन्होंने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि लोगों, अमीरुल मोमिनीन भी अल्लाह का बंदा है और आवाज़ देने पर जवाब देता है और अहकाम की तामील करता है। अभी इसने इतना ही कहा था कि उसकी आंखें डबडबा गईं और उसने रोते हुए कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने अहबाब के फ़िराक में गिरिया फरमाया है और मुझ पर तो दोहरी मुसीबत पड़ी है, एक तो मेरे वालिद के बुजुर्गवार का इंतकाल हुआ और फिर खिलाफत का बोझ मेरे ऊपर पड़ा। खिलाफत के बारे में मैं अल्लाह ताला से ही मदद का तलबगार हूँ। उसके बाद अपने खुतबे को जारी रखते हुए मोहम्मद अल मेहदी ने कहा, लोगों, उस शख्स की अतात कबूल करो जो तुम्हें अदल और इंसाफ को रवाज दे, तुम्हारी गुरबत और परेशानी को दूर करे, जो तुम्हारे लिए अमन और सलामती के असबाब मुहैया करे। बाखुदा मैं तुम्हें सज़ाएँ देने से गुरेज करूँगा और अपने आप को तुम पर एहसान करने पर माइल करूँगा। अभी उसने इतना ही कहा था कि लोग उसकी तकरीर से बहुत खुश हुए और लोगों के चेहरे खिल उठे। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट आम माफ़ी का ऐलान। अपने बाप मंसूर के बरक्स वो नरम मिजाज था, अफ़ो दरगुजर करने वाला इंसान था और इसने मसंद खिलाफत पर बैठते ही लोगों उलवियों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, सवाए चंद खूनी और मुजरम और कातलीन के बाकी सब लोगों को जेलों से रिहा कर दिया। इस ऐलान के बाद उलवियों की एक कसीर तादाद हिजाज मुकदस में जाकर बस गई और इसकी रहम दिलाना फितरत ने और माफ़ करने की आदत ने इस बात को पसंद ना किया कि लोगों को महज शक की बुनियाद पर जेलों में डाल दिया जाए। इसने अहले मदीना और अहले मक्का की वह तमाम मराद भी बहाल कर दी जो उनके वालिद अबू जाफ़िर मंसूर ने बंद कर दी थी और मेहंदी के इस मोहब्बत भरे रवैये ने उसे रियाया में बहुत मकबूल बना दिया। दैट इज़ आवर लास्ट पॉइंट, अवाम में मकबूलियत, कि यह खलीफा अपने अफ़ो दरगुजर अपने नरम मिजाजी की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ और लोगों ने इसी हुकूमत को दिल से खुशी खुशी कबूल किया, क्योंकि उस वक्त मुल्क में तरक्की भी थी, खुशहाली भी थी, बगावतें भी नहीं हो रही थी, ना ही कोई इसी तरह के इशूज़ थे। लिहाजा मोहम्मद अल मेहदी इज़ वन ऑफ द लकीस्ट कैलिफ ऑफ अब्बासीड खिलाफत।